Hello everyone, I S.P. Yadav welcome you all at IAS Masters Geek Computer Science YouTube channel. My dear students, in Master Concept series, today I am going to discuss concept of installment under simple interest and under compound interest. ये बहुत ही important topic है student, जो कि aptitude के section में पूछा जाता है, ठीक है? और कुछ कंफ्यूजन है वो भी क्लियर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट. स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट से, और वहां कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर कट क्वेश्चन में मेंशन होगा ये बात, ठीक है? तो पहला हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि कंपाउंडिंग जो है वो सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. अब अज्यूम करिए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने पी अमाउंट का लोन लिया, करेक्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, आर परसेंट सिंपल इंटरेस्ट, एंड एग्रीज टू पे लोन इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एक्स फॉर एन ईयर्स, जिसमें उसे पे बैक करना है एन ईयर्स में, और एवरी ईयर रूपीज एक्स पे बैक कर रहा है, मतलब इंस्टॉलमेंट अमाउंट जिसको आप ईएमआई भी कह सकते हो, जब वो मंथली देना पड़ेगा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, करेक्ट. यहां पे ईयरली हम मान के चल रहे हैं कि वो एवरी ईयर रूपीज एक्स पे बैक कर रहा है, ठीक है? तो इक्वल ईएमआई अमाउंट ये एक्स कितना होगा कंपाउंडिंग अगर सिंपल हो. हम पहले इसको डिराइव नहीं करते हैं, ठीक है? पहले आपको एक एग्जांपल से ये सारी बातें समझाते हैं. स्टूडेंट, सपोज करिए आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है, सेल फोन खरीदना है. क्या चाहिए आपको? करेक्ट, एक्स वाई जेड कंपनी में आप गए, ठीक है, मोबाइल कंपनी में, उसका आउटलेट होगा, करेक्ट. ये मोबाइल कंपनी है, यहां पे कौन पहुंचा? कस्टमर. भाई आपने एक मोबाइल फोन मोबाइल कंपनी से ले लिया, इस तरीके से आपके पास एक फोन आ गया, लेकिन ये फोन कि वैल्यू जो है प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, करेक्ट. आपके पास 10,000 है नहीं, तो कंपनी ने कहा कि हमारा एचडीएफसी बैंक के साथ टाई अप है, ठीक है, आज एचडीएफसी हमको 10,000 पे कर देगी, ठीक है? कितना? 10,000. जिस ईएमआई का, जिस अमाउंट का हम आपको ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे और आपको ड्यूरेशन 5 ईयर्स में पूरा डेट क्लियर करना है. प्रेजेंट में कितना लोन लिया गया? 10,000 का फोन इन्होंने इनको दे दिया. अब बचे दो लोग, कस्टमर और एचडीएफसी बैंक. आई बात समझ में? इनके बीच एग्रीमेंट हुआ कि एवरी ईयर रूपीज एक्स, देन नेक्स्ट ईयर रूपीज एक्स, देन नेक्स्ट ईयर रूपीज X, then next year rupees X, then next year rupees X. टाइम कितना मिला payback के लिए? 5 years. करेक्ट, आई बात समझ में? पूरा मामला समझ में आया? रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया गया R इक्वल टू 10% पर एनम SI, पर एनम SI. ये क्लियर होगा? आई बात समझ में? SI, ठीक है? अभी ज्यादातर लोग इसको, इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझते हैं कि भैया 10% का रेट है, 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, 5 ईयर्स में,
10,000 का 10% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट 5,000 हो गया। तो आफ्टर 5 ईयर्स कस्टमर को पे कितना करना है 15,000, उसको 5 से डिवाइड कर दो तो ये एक्स अमाउंट कितना हो गया 3,000। इट्स अ कंप्लीट मिसकंसेप्शन, ऐसा नहीं है भाई, आपको 5 ईयर्स बाद पे करना है ना 15,000, और तुमने तो आफ्टर फर्स्ट ईयर ही पहला अमाउंट दे दिया, नेक्स्ट अमाउंट सेकेंड ईयर बाद दे दिया, नेक्स्ट ईएमआई अमाउंट थर्ड ईयर बाद दे दिया। तो आपने पहले दिया, इसका फायदा आपको कहां मिला? मिलना चाहिए। तो इसी बात को आप समझिए, फ्यूचर वर्थ ऑफ बैंक, बैंक ने कस्टमर के पॉकेट में 10,000 डिपॉजिट कर दिया और मनी ग्रो करती है। आपकी मनी आपके पॉकेट में ग्रो नहीं करेगी, लेकिन आपने अपनी मनी बैंक में रख दी तो जो एफडी का रेट चल रहा होगा उस रेट से ग्रो करेगी। वैसे ही बैंक ने आपके पॉकेट में 10,000 आज पे कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, तो जिस रेट से लोन लिया गया होगा उसी रेट से कस्टमर के पॉकेट में प्रेजेंट वैल्यू ग्रो करना शुरू कर देगी। किस रेट से? सिंपल इंटरेस्ट से, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ पड़ा है 10,000 प्लस 10,000 इंटू आर, आर का मतलब 10%, 10/100 इंटू टी 5 ईयर्स अक्यूमुलेटेड अमाउंट, मतलब फ्यूचर वर्थ ऑफ बैंक आफ्टर 5 ईयर। मैंने निकाल दिया कि जो बैंक ने कस्टमर के पॉकेट में डिपॉजिट किया 10,000, वो 5 ईयर्स बाद कितना हो जाएगा? 15,000, करेक्ट। सिमिलर मैनर से आप सोचिए फ्यूचर वर्थ ऑफ कस्टमर, कस्टमर ने फर्स्ट ईयर रूपीज एक्स पे कर दिया तो बैंक के पॉकेट में ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने इयर्स के लिए रहा? 4 ईयर्स के लिए, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट कब आया है? आफ्टर 1 ईयर। भाई जो अभी मैंने अगर कोई कार परचेज करी या मोबाइल फोन अभी परचेज करा है, जो अमाउंट अभी पे करूंगा वो तो डाउन पेमेंट हो जाएगा। आफ्टर 1 ईयर जो पहला इंस्टॉलमेंट आएगा, आफ्टर 1 ईयर आएगा, मतलब ये एक्स अमाउंट जो पहला इंस्टॉलमेंट है उसको ग्रो करने के लिए कितने ईयर्स मिल जाएंगे? 4 ईयर्स, क्योंकि पूरा डेट क्लियर करना है कितने में? 5 ईयर्स में। एक्स इंटू आर दैट इज 10/100 इंटू टी 4, करेक्ट। फिर आफ्टर सेकेंड ईयर सेकेंड ईएमआई आएगी, वो ग्रो करके कितना हो जाएगी? एक्स दिया और 3 ईयर्स का इंटरेस्ट, एक्स प्लस एक्स इंटू 10/100 इंटू 3। थर्ड ईएमआई आएगी, एक्स प्लस एक्स इंटू 10/100 इंटू 2 प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू 10/100 इंटू 1 प्लस लास्ट ईएमआई जो आएगी 5 ईयर्स बाद आ रही है, 5 ईयर्स में डेट क्लियर करना है तो इसको ग्रो करने का चांस नहीं मिलेगा। ये हो गई स्टूडेंट फर्स्ट ईएमआई जो कि एक्स दिया 4 ईयर्स के लिए ग्रो करी। ये हुई सेकेंड ईएमआई, एक्स दिया जो कि ग्रो होके इतनी हो गई 3 ईयर्स के लिए ग्रो किया। ये हो गई थर्ड ईएमआई, ये फोर्थ ईएमआई ग्रो करके, और इसको कोई चांस नहीं मिला ग्रो करने को, ठीक है। तो फ्यूचर वर्थ ऑफ कस्टमर एट बैंक ये हो गया 6x। 5 ईयर्स में बैंक ने मेरे पॉकेट में, मतलब कस्टमर के पॉकेट में ग्रो करा के 10,000 को 15,000 बना दिया, ठीक है। और कस्टमर ने, मतलब मैंने, बैंक के पॉकेट में कितना ग्रो करा दिया? 6x। विन विन सिचुएशन के लिए फ्यूचर वर्थ ऑफ बैंक मस्ट बी इक्वल टू फ्यूचर वर्थ ऑफ कस्टमर। ये इतना सा अप्रोच है। तो ये हो गया फ्यूचर वर्थ ऑफ बैंक इक्वल टू फ्यूचर वर्थ ऑफ कस्टमर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 15,000 इक्वल टू 6x, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2500। जो आप सोच रहे थे 3000 होगा, वो कस्टमर को केवल 2500 पे करना पड़ा ईच एंड एवरी ईएमआई, ठीक है, जो कि एनुअल है। अब यहां पे अगर देखो तो टोटल पे कितना किया? 2500 की ईएमआई अमाउंट है,
फाइव ईएमआई पे किया है, 12,500 पे किया, ठीक है, कितना बच गया 2,500 जो उसने वो आफ्टर वन ईयर फिर सेकेंड ईयर, तो इंटरेस्ट का बर्डन उसका कम हो गया। जहां 5,000 इंटरेस्ट बन रहा था वहां केवल 2,500 इंटरेस्ट पे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई तुमने फर्स्ट ईयर के बाद से ही ईएमआई पे करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये आपका अप्रोच है। सेम बात आप समझो कि यहां पे लेट अ पर्सन टेक्स अ लोन पी, प्रेजेंट अमाउंट कितना है पी, प्रिंसिपल वैल्यू कितना है पी, लोन कितना लिया गया पी, आर परसेंट सिंपल इंटरेस्ट, किस रेट से, आर परसेंट सिंपल इंटरेस्ट से, एंड एग्रीज टू पे लोन इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एक्स फॉर एन ईयर्स, मतलब एवरी वन ईयर देयर इज अ ईएमआई अमाउंट ऑफ एक्स पे करेगा कस्टमर। तो हम फ्यूचर वर्थ ऑफ बैंक कैलकुलेट कर लेते हैं, फ्यूचर वर्थ ऑफ कस्टमर कैलकुलेट कर लेते हैं, दोनों को इक्वेट कर देते हैं और ये जनरल फॉर्मूला हमको मिल जाएगा एक्स का। कोई फॉर्मूला आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट मेमोराइज करिए, ठीक है। आते हैं जनरलाइजेशन पे। फ्यूचर वर्थ ऑफ बैंक, प्रिंसिपल अमाउंट लोन पी प्लस पी आर एन बाई 100, जो लोन लिया गया प्रेजेंट में उसका उसकी वैल्यू पी थी, आफ्टर एन ईयर्स अकोमोलेट होके फ्यूचर वर्थ ये हो जाएगी। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, पी वन प्लस आर एन बाई 100। अब कस्टमर ने आफ्टर वन ईयर इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू किया, फ्यूचर वर्थ ऑफ कस्टमर इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है, रूपीज एक्स का, ये कब आएगा, आफ्टर वन ईयर्स। अब बैंक के अकाउंट में कितने ड्यूरेशन तक ये अमाउंट रहा, एन माइनस वन ईयर्स तक, तो एन माइनस वन ईयर्स तक ये ग्रो करेगा, ठीक है। जैसे बैंक ने हमारे पॉकेट में ग्रो करा के इतना अमाउंट कर दिया, वैसे ही हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया, ये ग्रो होके कितना हो गया, x प्लस एक्स इंटू आर एन बाई 100। माई डियर स्टूडेंट्स, यही कैलकुलेशन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन फॉर्मूले से मैं करता, अदरवाइज यहां सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कर रहा हूं। ये n माइनस वन क्यों लिया, आप सोचोगे कि टाइम तो सर n माइनस एन ईयर्स है, तो तुमने n माइनस वन क्यों लिया, भाई इसलिए लिया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करेगा, आफ्टर वन ईयर, तो इस अमाउंट को ग्रो करने के लिए कितना ड्यूरेशन मिलेगा, n माइनस वन ईयर्स। सेकेंड आएगा x प्लस एक्स इंटू आर इंटू एन माइनस टू होल डिवाइडेड बाई 100, करेक्ट, प्लस एन डॉट डॉट एक्स प्लस एक्स इंटू आर इंटू वन बाई 100। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा उसको ग्रो करने का चांस नहीं मिलेगा, एन ईयर्स में डेट क्लियर करना है, एन ईयर्स बाद ये ईएमआई लास्ट वाली मैंने दिया है, तो इसको ग्रो करने का चांस नहीं मिलेगा। एक्स एक्स हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स, एन इंस्टॉलमेंट दिया है तो ये हो गया एन एक्स, प्लस हर इस वाले टर्म में हर किसी में एक्स है, हर किसी में आर है, हर किसी में डिनोमिनेटर में 100 है, ये मैंने कर दिया कॉमन, n माइनस वन प्लस एन माइनस टू डॉट डॉट 3, 2, 1, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एक्स आर बाई 100 इंटू ये एपी है, आप रिवर्स ऑर्डर में देखो 1, 2, 3 अप टू सो ऑन एन माइनस वन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, एन माइनस वन, ठीक है। एपी का सम फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बाई 2, एवरेज ऑफ एपी मिल गया इंटू नंबर ऑफ टर्म्स इंटू एन एन माइनस वन बाई 2, फर्स्ट टर्म एन माइनस वन प्लस वन क्या हो गया एन, नंबर ऑफ टर्म्स एन माइनस वन बाई 2, करेक्ट। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ फ्यूचर वर्थ ऑफ बैंक, फ्यूचर वर्थ ऑफ बैंक इक्वल टू फ्यूचर वर्थ ऑफ कस्टमर, विन विन सिचुएशन के लिए एन ईयर्स में बैंक ने हमारे लोन अकाउंट में जितना ग्रो करा दिया पी को, उतना ही मैं बैंक के अकाउंट में
एक्स एक्स रूपीज एवरी ईयर दे के ग्रो करा दूंगा। तो ये दोनों अमाउंट इक्वल होने चाहिए, मतलब पी वन प्लस आर एन बाई हंड्रेड शुड बी इक्वल टू एन एक्स प्लस यहां एक्स कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट, यहां क्या करते हैं एक्स कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों टर्म में है, यही एक्स निकालना है, एक्स एन प्लस एन एन माइनस वन बाई टू इंटू आर बाई हंड्रेड, यही तो बचा एक्स कॉमन लेने के बाद, एक्स कॉमन ले लिया आर बाई हंड्रेड, यहां एन एन माइनस वन बाई टू, करेक्ट। अच्छा, सो स्टूडेंट एक्स इक्वल टू वन प्लस आर एन बाई हंड्रेड होल डिवाइडेड बाई एन 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 माइनस वन बाई टू इंटू आर बाई हंड्रेड, दिस इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट एवरी ईयर जो कस्टमर को पे करना है। सिंपलेस्ट मेथड, किसी फॉर्मूले में नहीं जाना है, एक बार वेरीफाई करिए जो फॉर्मूला दिया गया है स्टेटमेंट में क्या यही आया है, x इक्वल टू पी वन प्लस आर एन बाई हंड्रेड एग्जैक्टली एन प्लस आर बाई हंड्रेड इंटू एन एन माइनस वन बाई टू। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे को कोई लफड़ा नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन का तरीका बदल जाएगा, अप्रोच वही रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं, विथ एग्जाम्पल हमने डिराइव भी कर दिया, यही अप्रोच को याद रखना है। फिर से देखिए, लेट अ पर्सन टेक्स अ लोन पी फ्रॉम बैंक एट आर परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एग्रीज टू पे लोन इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एक्स फॉर एन ईयर्स। अगेन पी अमाउंट का लोन लिया गया लेकिन एग्रीमेंट में कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन किया गया है आर परसेंट का, फिर से आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट पे बैक करना है ईयरली, मंथली देगा तो आर बाई ट्वेल्व ले लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उसी को हम इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, करेक्ट। अच्छा, इसमें स्टूडेंट फ्यूचर वर्थ ऑफ बैंक कैलकुलेट करिए, प्रेजेंट वर्थ कितना है पी, इसे हम प्रिंसिपल बोल रहे हैं, लोन अमाउंट, ये अकुमुलेट होके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से एन ईयर्स में पी इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड होल पावर एन हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे ही फ्यूचर वर्थ ऑफ कस्टमर, फर्स्ट ईएमआई कस्टमर कितना देगा एक्स, इसको ग्रो करने के लिए कितने ईयर्स मिलेंगे एन माइनस वन, एन माइनस वन दिया उसने एक्स, कंसीडर एन ईयर्स बाद ये की जाएगी, सेकेंड ईएमआई एक्स इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड होल पावर एन माइनस टू, बात समझ में, प्लस एक्स इंटू वन प्लस आर बाई हंड्रेड होल पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन, लास्ट ईएमआई को ग्रो करने का कोई चांस नहीं मिलेगा, सेकेंड लास्ट ईएमआई को ओनली वन ईयर्स मिलेंगे ग्रो करने के लिए। अभी स्टूडेंट लोग करते क्या है, इसको फॉर्मूला बना लेते हैं, आर बाई हंड्रेड को आई मान लेते हैं, ठीक है, हर जगह आई, सिंप्लिसिटी के लिए आई से रिप्लेस कर देते हैं, ये जीपी बन रही है जीपी से ऐड कर लेते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला लिख देते हैं आई की केस में, ठीक है, आई इक्वल टू दिस, करेक्ट। हम कोई फॉर्मूला नहीं रखने वाले हैं, हम हमेशा ये याद रखेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ बैंक मस्ट बी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ फ्यूचर वर्थ ऑफ कस्टमर, ठीक। तो यहां से मिल गया पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड होल पावर एन इक्वल टू एक्स कॉमन ले लिया, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, वन प्लस आर बाई हंड्रेड प्लस डॉट डॉट वन प्लस आर बाई हंड्रेड होल पावर एन माइनस वन, आई बात समझ में इतना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से मिल गया इंस्टॉलमेंट अमाउंट इक्वल टू वन प्लस आर बाई हंड्रेड होल पावर एन होल डिवाइडेड बाई वन प्लस आर बाई हंड्रेड प्लस वन प्लस आर बाई हंड्रेड होल स्क्वायर एंड सो ऑन, वन प्लस आर बाई हंड्रेड होल पावर एन माइनस वन, आई बात समझ में इतना।
यही इतना सा अप्रोच है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कितना आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और डेफिनेटली क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको टकराएगा, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट का ये क्वेश्चन स्टूडेंट, अ मैन टूक अ लोन ऑफ रूपीज 5,000 विच इज टू बी पेड इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम सीआई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। देखो एक बात यहां क्लियर हुई, प्रेजेंट वर्थ लोन की जो है 5,000 है। दूसरी बात क्लियर हुई, इंटरेस्ट 10% है पर एनम, वो भी कन्वर्जन कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का नहीं किया जाएगा, कोई बात नहीं। फ्यूचर वर्थ ऑफ बैंक, प्रेजेंट वैल्यू 5,000 की है, ठीक है 5,000। ड्यूरेशन कितने का है? 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, मतलब 3 इयर्स का ड्यूरेशन है। 1 + R/100 होल पावर 3, इंटरेस्ट रेट कितना है 10% का, तो ये हो जाएगा 1 + 10/100 होल पावर 3 इक्वल टू 5,000 1.1 होल पावर 3। दिस इक्वल टू, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, फ्यूचर वर्थ मुझे मिल गई स्टूडेंट 5,000, चाहे फॉर्मूले से करो चाहे किसी भी तरीके से करो, ये कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, पावर 3 6655। आगे माय डियर, अच्छा फ्यूचर वर्थ ऑफ कस्टमर इक्वल टू फर्स्ट ईएमआई, मान लेते हैं रुपीज एक्स दिया, ग्रो करने का चांस फर्स्ट ईएमआई आफ्टर 1 ईयर दी जाएगी, 2 इयर्स मिला, ये हो जाएगा 1.1 × 2 + 1.1 × 1 प्लस एक्स। भाई फर्स्ट ईएमआई एक्स इंटू 1 + R/100, 1 + R/100 की वैल्यू कितनी है 1.1, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो x इंटू 1.1 पावर 2। सेकेंड ईएमआई सेकेंड ईयर बाद आएगी, तो 1 ईयर ग्रो करने का मिल जाएगा इसको 1.1 पावर 1। थर्ड ईएमआई 3 ईयर में डेट क्लियर करना है, थर्ड ईएमआई को ग्रो करने के लिए कोई टाइम नहीं मिलेगा, सो दिस इक्वल टू x 1.1 होल पावर 2 1.1 + 1, ठीक है, ये वैल्यू हो गई 1 + 1.1 + 1.1 पावर 2 3.31x। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट फ्यूचर वैल्यू ऑफ बैंक फर्स्ट बी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ कस्टमर, दैट मींस फ्यूचर वर्थ ऑफ बैंक इक्वल टू फ्यूचर वर्थ ऑफ कस्टमर। कितना कितना है 6655 = 3.31x। एक बार मैच कर लेते हैं, 6655 and 3.31x, x की वैल्यू निकाल लीजिए, 6655 ÷ 3.31, ठीक है x इक्वल टू 2010.57, दिस इज द आंसर। अभी भी नहीं क्लियर हो तो बताओ, कंसेप्ट के साथ एक और प्यारा सा प्रॉब्लम लेते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन टेक अ लोन ऑफ रूपीज 6,000 फॉर 3 इयर्स एट 5% पर एनम सीआई, ही रिपेड 2,100 इन ईच ऑफ फर्स्ट 2 इयर्स, द अमाउंट ही शुड पे एट द एंड ऑफ 3rd ईयर टू क्लियर हिज डेट। भी देखो इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट लगाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का लगाऊंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया। उसने कहा फर्स्ट ईएमआई में 2100 पे किया, सेकंड में भी 2100 पे किया, अब जो भी बचा है थर्ड में पे कर देना चाहता है, ठीक है कोई बात नहीं। फ्यूचर वर्थ ऑफ बैंक प्रिंसिपल अमाउंट 6,000, 1 + R/100 होल पावर ड्यूरेशन 3,
दिस इक्वल टू 6000 1.05 होल पावर 3। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। गेट में कैलकुलेटर अलाउड होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1.05 पावर 3, ये अमाउंट हो गया स्टूडेंट्स इक्वल टू 6945.75। ये फ्यूचर वर्थ हो गई। एक बार मैं कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, करेक्ट। ड्यूरेशन कितना है? 3 इयर्स का है। तो 5 डिवाइडेड बाय 100, हाँ 1.05 मैंने लिया है, सही है। 1.05 पावर 3 इंटू 6000, यस। नाउ फ्यूचर वर्थ ऑफ कस्टमर, फर्स्ट ईएमआई अमाउंट कितना है माय डियर? 2100। ये 2100 कब दिया जाएगा? आफ्टर 1 ईयर। तो 2 ईयर्स का चांस मिल गया ग्रो करने के लिए। 1 + 5/100 होल पावर 2 प्लस नेक्स्ट 2100, 1 + 5/100। इस 2100 को केवल 1 ईयर मिलेंगे ग्रो करने के लिए। लास्ट में जो दिया जाएगा उसको ग्रो करने के लिए कोई चांस नहीं मिलेगा। मान लिया लास्ट ईयर में वो कितना देगा, जो भी बचा है एक्स दे देगा, ठीक है। ये कितना हो गया यहां पे स्टूडेंट? हम लोग कर सकते हैं 2100 टेकन इन कॉमन, 1.05 पावर 2 + 1.05 + x, 1.05 power 2 + 1.05 into 2100 into 2100, 4520.25, करेक्ट, प्लस एक्स। अगेन सेम अप्रोच, फ्यूचर वर्थ ऑफ बैंक इक्वल टू फ्यूचर वर्थ ऑफ कस्टमर। फ्यूचर वर्थ ऑफ बैंक आई ऑलरेडी इवैल्यूएटेड 6945.75, दैट इज इक्वल टू फ्यूचर वर्थ ऑफ कस्टमर 4520, 4520.25 + x, यही है। सो स्टूडेंट x इक्वल टू माइनस कर देते हैं 6945.75, 2425.5, दिस इज द राइट आंसर। इतना अमाउंट लास्ट ईयर में आपको पे करना पड़ेगा अगर आप डेट को 3 इयर्स में ही क्लियर करना चाहते हो। मतलब ये कंडीशन हटा दी गई कि इक्वल इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा, लास्ट में जो भी होगा आप पे कर दीजिए। आई बात समझ में? क्लियर आपके पास? भाई मान लो अमाउंट आ गया कहीं से फंड मिल गया, तो चलो क्लियर कर देते हैं, क्यों अननेसेसरी इंटरेस्ट का बर्डन लेना। A man borrows rupees 12,500 at 20% compound interest, ठीक है। फिर से प्रेजेंट वर्थ कितना है? 12,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% का, कन्वर्जन कंपाउंड है। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेज रूपीज 2000 एज द पार्ट ऑफ रीपेमेंट, हर बार 2000 रुपए पे करता है। हाउ मच डज ही स्टिल ओव आफ्टर 3 such installments? 3 installments देने के बाद अभी भी कितना ड्यू रहेगा 3 इयर्स बाद? तो एक काम करते हैं, 3 इयर्स का बैंक का फ्यूचर अमाउंट निकाल लेते हैं, 3 इयर्स में कस्टमर का फ्यूचर अमाउंट निकाल लेते हैं। जो डिफरेंस आएगा दैट इज द डेट आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। चेक किया जाए, फ्यूचर वर्थ ऑफ बैंक After 3 years equal to 12,500 into 1 + r/100, r कितना है? 20, 20/100 power 3। आई बात समझ में? ये हो जाएगा स्टूडेंट 001 कैंसिल,
ठीक है, 1/5। वन पॉइंट टू पावर थ्री, करेक्ट, 1.2 power 3 इंटू 12,500, 21,600। मतलब 3 ईयर्स में देखा जाए तो ड्यू अमाउंट, जो डेट अमाउंट बनता है बैंक का, किसके ऊपर? कस्टमर के ऊपर, 21,600। अब 3 EMI भी दिया है, कस्टमर का वर्थ निकाल लीजिए, फ्यूचर वर्थ, फ्यूचर वर्थ ऑफ कस्टमर इन 3 ईयर्स इक्वल टू फर्स्ट EMI कितने की आई, 2000। इसको ग्रो करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, 2 ईयर्स, 1 plus 20 by 100 whole power 2। नेक्स्ट EMI आएगी 2000 into 1 plus 20 by 100, कितना टाइम मिलेगा, 1 ईयर प्लस, भाई अब तो मैं 3 ईयर्स ही मानूंगा ना, डेट क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन 3 ईयर्स तक इस 2000 पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर और टाइम लोगे तो अकॉर्डिंगली हर का टाइम ड्यूरेशन बदल जाएगा। 2000 ले लिया स्टूडेंट्स हमने कॉमन, यहां आ गया 1.2 power 2, 1.21, ठीक है, 1.2 power 2 plus 1.2 plus 1, 2000 into 3.64 into 2000, मतलब जो भी EMI इन्होंने पे किया 3 ईयर्स में उसकी फ्यूचर वर्थ 7,280 हुआ, रिमेनिंग आफ्टर 3 ईयर्स, रिमेनिंग आफ्टर 3 ईयर्स इक्वल टू फ्यूचर वर्थ ऑफ बैंक 21,600 minus 7,280, 21,600 इक्वल टू 14,320। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन डी, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, आंसर इज डी। ये था स्टूडेंट कंसेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट। एक क्वेश्चन और है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इसको आप अटेम्प्ट करिए और जो आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, ये आपका है होमवर्क। अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट अंडर सिंपल इंटरेस्ट एंड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा ऑन क्लॉक, हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ क्लॉक, और मेन जो मेरा एम होगा इस वीडियो लेक्चर में, टू फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 2:30, 2:20, कुछ भी टाइम दिया होगा और हमें फाइंड करना होगा स्टूडेंट्स एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स आज के लिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।